अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नेक्स्ट वीडियो। सर दोस्तों, आज की हमारी वीडियो एक ऐसे प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के हवाले से है जिसकी फ़ी बाकी मेडिकल कॉलेज से काफ़ी कम है, और ये मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद के अंदर सिचुएटेड है। काफ़ी ज़्यादा मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो कि लाहौर में सिचुएटेड हैं और उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा भी हैं, और चंद एक मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं लाहौर में जिनकी फ़ी काफ़ी कम है, जैसे कि शरीफ मेडिकल कॉलेज। इसके हवाले से हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसकी फ़ी तकरीबन 19 लाख तक है। इसी तरह अली मेडिकल कॉलेज, इसकी फ़ी उससे भी कम है। और इसके बाद अब इस्लामाबाद के अंदर एक ऐसा मेडिकल कॉलेज है जिसकी फ़ी सबसे कम है, वो है वतीम मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। इसका फ़ी स्ट्रक्चर देखेंगे कि 2024-25 का फ़ी स्ट्रक्चर कितना है, और इसके बाद इसके हॉस्टल चार्जेस आपको बताएंगे कि पर एनम के हवाले से इसके हॉस्टल चार्जेस कितने हैं, मेस के चार्जेस कितने हैं, हर हवाले से दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि इसी मंथ में हमारे ना तकरीबन 10,000 जो है सब्सक्राइबर पूरे हो जाए। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि आपने सब्सक्राइब करना है, ठीक है। उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि वतीम का फीस स्ट्रक्चर क्या है, और इसकी जो बिल्डिंग है वो आप लोग देख रहे होंगे, ये इसकी बिल्डिंग है जो कि काफ़ी अच्छी है। और इसके बाद अगर हम बात करें, इसमें MBBS की सीट्स टोटल 100 सीट्स हैं और BDS में इसकी 50 सीट्स हैं। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और भी चीज़ आपको बताते जाएं कि हम तमाम मेडिकल कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन बर वक्त अपने ग्रुप्स में शेयर करते हैं। उस ग्रुप में मैं खुद ऐड हूँ, आप लोग पर्सनली मुझे मैसेज करेंगे, मुझे DM करेंगे कि सर हमारा ये इशू आप सॉल्व कर दें, अब हम क्या करें, प्रेफरेंस लिस्ट हमें चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो हमारा ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इंस्टा पे जाएं, hasan.nakvi.512 मेरा इंस्टा है, मुझे फॉलो करें, और कहें सर आपको जो ग्रुप है वो हम ज्वाइन करना चाहते हैं जिसके ओनली 500 चार्जेस हैं, जो कि आप एक ही दफ़ा पे करेंगे, फिर ग्रुप को आपने इन्जॉय करना है। और अगर हम इस कोर्सेज की बात करें, इसमें BDS करवाया जाता है जिसमें इसकी 50 सीट्स हैं, MBBS करवाया जाता है जिसमें इसमें 100 सीट्स हैं, और इसके बाद अलाइड हेल्थ साइंसेज जैसे कि MLT हो गया, MIT हो गया, रेडियोलॉजी वगैरह, ये तमाम चीज़ें यहाँ करवाई जाती हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें इसमें एडमिशन्स के हवाले से, MBBS और BDS की फ़ीस स्ट्रक्चर के हवाले से, तो ये आपके सामने कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर है। इसकी जो एनुअल फ़ी है वो 17,65,000 है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसकी फ़ीस 17,65,000 है, नहीं, कुछ और भी चार्जेस हैं, ये इसकी ट्यूशन फ़ी है। तो और इसमें चार्जेस कितने हैं, जैसे कि एडमिशन फ़ी रिफंडेबल है जो कि 50,000, वो भी आपसे लिए जाएंगे फर्स्ट ईयर में, बाद में आपसे नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। UHS के चार्जेस वो हैं 99,000, और इसके बाद UHS के रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं 24,000, ये वन टाइम है। इसके बाद जो है PMDC के रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं 10,000, ये भी वन टाइम है। और इसके बाद सिक्योरिटी रिफंडेबल है जो कि 50,000 है, ये आपको बाद में मिल जाएगी जब आप एडमिशन लाइक छोड़ेंगे, MBBS पूरा कर लेंगे उसके बाद। और टोटल जो एनुअल फ़ी है पर एनम के हवाले से, जो इसकी फ़ी है टोटल, मतलब फर्स्ट ईयर की, ये फ़ी आपसे ली जाएगी, ठीक है। वो कितनी है, वो तकरीबन है 19,98,000, यानी कि 20 लाख इसकी फर्स्ट ईयर की फ़ी है, और 7.7% हर साल इंक्रीज़ करती है फ़ी, तो सेकंड ईयर में आपकी फ़ी हो जाएगी 20 लाख। तो आप कहेंगे पहले भी 20 लाख, फिर भी 20 लाख, इंक्रीज़ क्यों नहीं हुई? इंक्रीज़ हुई है क्योंकि फर्स्ट ईयर में कुछ और भी चार्जेस हैं ना, जैसे कि एडमिशन फ़ी है, और इसके बाद जो है सिक्योरिटी के चार्जेस हैं, तो इसलिए वो कंपनसेट हो जाती हैं। सेकेंड ईयर में इंक्रीज़ होती है बट वो सेम रह जाती है, ठीक है। थर्ड ईयर में आप लोग देख रहे हैं 21,51,000 है थर्ड ईयर में, और फोर्थ ईयर में 23,13,000 है, और इसके बाद जो है फाइनल ईयर में इसकी फ़ी 24,86,000, यानी 25 लाख हम कह सकते हैं। और टोटल जो इसकी फ़ी है 1,09,52,410 रुपीज़, ठीक है। ये इसके चार्जेस हैं जो आपसे लिए जाएंगे, विदाउट हॉस्टल चार्जेस हैं ये, ठीक है। अभी हॉस्टल चार्जेस और हैं, अगर हम बात करें हॉस्टल चार्जेस की पर मंथ विद मेस विद फूड 33,250, यानी 33,000 आपसे लिए जाएगा। मेस के चार्जेस भी हैं, हॉस्टल चार्जेस भी हैं, और ट्रांसपोर्ट के चार्जेस आपसे लिए जाएंगे 3,000 पर मंथ, ये काफ़ी लाइक कम है इसके चार्जेस। और बाकी जो है अगर आप नॉन फाइलर होंगे तो उसके भी चार्जेस आपसे जो हैं एक्स्ट्रा लिए जाएंगे। अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये इनका कांटेक्ट नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वतीम कॉलेज एक अच्छा मेडिकल कॉलेज है, लाइक एवरेज कॉलेज है, बहुत अच्छा भी नहीं है और एवरेज बिलो भी नहीं है, एक एवरेज मेडिकल कॉलेज है। इस्लामाबाद के अंदर आप इसे प्रेफर कर सकते हैं,
और अगर आप मज़ीद हमसे डिटेल पूछना चाहते हैं इस्लामाबाद में कौन से कॉलेजेस हैं, अच्छे कौन से होंगे, उनके फ़ीस स्ट्रक्चर, अप्लाई कब करना है, कैसे अप्लाई होगा इस्लामाबाद के मेडिकल कॉलेजेस में या बाकी UHS के कॉलेजेस, जो भी इंफॉर्मेशन आप हमसे पूछना चाहते हैं, आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करेंगे और डायरेक्ट मेरी एक्सेस लेंगे, मेरा नंबर वहाँ ऐड होगा, आप डायरेक्ट मुझे वहाँ DM करेंगे, जो भी इश्यूज़ हैं आप लोग मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं, वॉइस आप मुझसे भेज के जो इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी मंथ में मैं चाहता हूँ कि मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएं, तो आप लास्ट में सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।